दोस्तों परसों रिलीज हुई थी दो मूवीज, क्रैक और 370 आर्टिकल 370। दोनों मूवीज जब हुई तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि खासे कुछ छोटी मूवी है, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मैंने 370 देखी थी तो मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात बोली थी कि ये मूवी बहुत कुछ करने के कैपेबल है, पर मैं बॉक्स ऑफिस पे प्रेडिक्शन अब दे नहीं सकता। जब से मैंने फाइटर का 200 करोड़ वाला जो रैप अप देखा है ना, तब से प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। बट मूवी मुझे पता देख के पता चल गया था कि कुछ ना कुछ उखाड़ेगी जरूर यार। और दूसरी तरफ है क्रैक। तो बात करते हैं दोनों मूवीज पे, डे टू की और डे थ्री पे क्या कुछ कर सकती है और अब क्या लग रहा है ये मूवी किस तरफ जा सकती है। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो आर्टिकल 370 जैसी जो मूवीज होती है ना यार, ये या तो अगर क्लिक कर गई, इनके इनके ना बीच का मिड वाला रास्ता नहीं होता, या ये क्लिक करती हैं या ये क्लिक नहीं करती हैं। आर्टिकल 370 जो मूवी है ये एक इन एडिशन टू जो भी दिखाया गया है, पॉलिटिकल एंगल जो भी दिखाया है, जो कुछ लोगों को ठीक लग सकता है कुछ लोगों को ठीक नहीं लग सकता, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये है कि मूवी एक कंप्लीट मूवी है। इस मूवी में थ्रिल है, इस मूवी में सस्पेंस है, इस मूवी में ड्रामा है, इस मूवी में आप एंगेज रहोगे, आप सीट से उठोगे नहीं। 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है जहां पे इन्होंने पार्लियामेंट को यू नो कनेक्ट किया है अपने टेररिज्म से और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करके डायरेक्टर साहब ने मूवी को प्रस्तुत किया। अभी ये मूवी जब मैं देख रहा था तो मुझे फील आ रही थी कि ये मूवी चढ़ सकती है, क्योंकि ये सेकंड कश्मीर फाइल मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बन पाए। देखो कश्मीर फाइल्स की अगर मैं बात करूं तो 3.5 करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन था और दूसरे दिन 8 करोड़ आ गया था। 370 की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन 5.9 करोड़ आए थे, जो एक बारी के लिए बोला जा सकता है कि 99 की टिकट्स थी तो लोग देखने चले गए और कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐसा था कि लोगों को एक्साइट किया। सेकंड डे मूवी ने कमाल किया, मेरे हिसाब से कमाल किया। सेकंड डे मूवी ने 7.5 करोड़ पे लाके 13.4 करोड़ पे अब ये मूवी बैठी है। यही अगर मैं बात करूं क्रैक की, क्रैक ऑडियंस को एक्साइट नहीं कर पाई, जो ऑडियंस को एक्सपेक्टेशंस थी उस पे फुलफिल नहीं हो पाई, इसलिए क्रैक को भी जो फर्स्ट डे का रिस्पॉन्स था वो अच्छा था, वो बुरा नहीं था, 4.25 करोड़ था, लेकिन सेकंड डे ड्रॉप हो गई 2.75 करोड़। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आर्टिकल 370 अगर आज संडे को डबल डिजिट टच कर लेती है, जो कि पूरी पूरी संभावनाएं हैं इसकी, अगर 10 11 12 करोड़ कर लेती है तो ये मूवी उस दिशा में निकल जाएगी जहां पे आपको नहीं लग रहा था कि एक मूवी उस फिगर्स को क्रॉस कर पाती है। मैं 100 करोड़ की बात तो इस वक्त कर ही रहा हूं आर्टिकल 370 का। बहुत डिपेंड करेगा आज की कलेक्शन, अब मंडे की कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, आज की कलेक्शन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा आर्टिकल 370 किस तरफ जा रही है। मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है अगर आज ये 11 करोड़ या 12 करोड़ ले आई तो 100 करोड़ तय है। थोड़ा सा डिसीजन कल क्लियर हो जाएगा मंडे को कि मंडे को क्या मूवी का रिस्पॉन्स आ रहा है। कश्मीर फाइल्स जैसा एकदम एक्सपोनेंशियल हाइक तो नहीं आया, बट कश्मीर फाइल्स 250 करोड़ गई थी, आर्टिकल 370 अगर 125 करोड़ भी पहुंच गई दोस्तों तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पर उसके लिए आज की कलेक्शन का वेट करो, डे टू 2 दिनों में 13.5 करोड़ हो चुके हैं, विच इज वेरी 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 गुड। तो यामी गौतम की टीम को, आदित्य धार की टीम को, प्रोडक्शन हाउस को, सबको कंग्रेचुलेशन है कि ये हिट तो ले ही जाएंगे मूवी, जहां तक अब ये मूवी जो ग्राफ पकड़ चुकी है, अब ये कितना आगे जाएगी वो डिपेंड, उसके लिए वेट करते हैं आज का और मैक्सिमम कल का वर्डिक्ट आ जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।